इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसका आवाज नहीं आता है मशीन का बिल्कुल भी, यानी कि जब आप मशीन चलाओगे तो दूसरे जो आजू बाजू के लोग उनको आवाज मतलब परेशानी नहीं होगी। ये मशीन का 1 ईयर वारंटी रहता है और ये मेंटेनेंस फ्री मशीन है। मतलब अगर समझो बाय चांस मेंटेनेंस आ भी गया, जो मोटर रिपेयर करने वाले आदमी रहते हैं, मिक्सर रिपेयर करने वाले आदमी रहते हैं, कोई भी इसको रिपेयर कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज में। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि हम आपके लिए हमेशा यूनिक बिजनेस आइडियाज लेकर आते रहते हैं और आप भी हमेशा हमें कमेंट करते हैं, सर कुछ ऐसा नया बिजनेस आइडियाज बताइए, कुछ ऐसी मशीन लेकर आइए जो कि पहले कोई बिजनेस ना कर रहा हो, विदाउट कंपटीशन वाला ऐसा कोई बिजनेस हमें आइडियाज बताइए। तो वही दोस्तों बिजनेस सर्च करते हुए मैं महाराष्ट्र में आ चुका हूँ, पुणे के आसपास ये एरिया पड़ता है, आप भी आसानी से पहुँच सकते हैं, सांगली में आ सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पे मशीनें मैन्युफैक्चर होती हैं, आप देख रहे हैं हमारे पीछे। तो कौन सी मशीन है दोस्तों, इस मशीन का कंपटीशन बहुत ही कम है और आपने कभी इस मशीन को पहले कभी यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मशीन से क्या क्या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, मशीन की कॉस्ट कितनी है और आप मंथली अर्निंग कितनी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज में। तो सबसे पहले सर आपका नेम बताइए। श्रीकांत है मेरा नाम। ओके सर, आपकी कंपनी का नाम? वैटसन ग्रुप। वैटसन ग्रुप में, जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं हमारे पीछे एक बहुत बड़ी मशीनरी है जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं। ये एक नई तरह की मशीन है, इसमें आप लगभग 20 तरह के प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो। दोस्तों 20 तरह के, मतलब एक ही मशीन से आप इतना तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सर इसके लिए कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही स्टार्ट कर सकते हैं। घर पे भी आप मशीन लगा सकते हो। इस मशीन को लगाने के लिए आपको 10 बाय 10 की रूम लगती है। अच्छा हाँ, आप ये घर में भी लगा सकते हो और इसको सिंगल फेज, मतलब जो अपने घरेलू बिजली उसके ऊपर ये चलती है, सिंगल फेज पे चलती है। सिंगल फेज यानी कि जो आपकी सर दोस्तों जो इलेक्ट्रिसिटी वो भी काफी कंज्यूम होगी, आप इसको डोमेस्टिक जो लाइट आती है उस पर भी आप इसे लगा सकते हैं। एक घंटे में खाली 6 से 7 यूनिट तक बिजली ले लेती है। अच्छा अगर देखा जाए, अगर इस मशीन को लेकर के कितनी अर्निंग कर सकते हैं? हाँ, इसमें आप मंथली 1 लाख रुपीज तक आप अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों 1 लाख रुपए आप पर मंथ कमा सकते हो, ये सिर्फ छोटा सा एक लघु उद्योग घर पे स्टार्ट करके। अच्छा इसके लिए कितनी मेन पावर की कितनी जरूरत पड़ेगी? कोई मतलब, भी आदमी या लेडीज इसको चला सकता है। मतलब आपका लेबर का भी खर्चा बच सकता है, मेन पावर का भी खर्चा आसानी से बच सकता है। हाँ। और क्या इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? हाँ, ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ओके, अच्छा इसके लिए जो डॉक्यूमेंट मशीन को स्टार्ट करने के लिए, अपना घर बैठे लघु उद्योग स्टार्ट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, वो क्या क्या होगी? हाँ, इसको डॉक्यूमेंटेशन जो लगता है, एक तो आपका GST नंबर निकालना पड़ता है, आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ओके, और एक FSSL लाइसेंस। अच्छा ये डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। हाँ, अगर दोस्तों आपसे अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं हो पा रहे हैं तो क्या आप उनकी हेल्प करेंगे किस तरीके से? हाँ, अगर समझो डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास भी ये है, लोग है वो करके आपको देते हैं। ये कहने का मतलब दोस्तों काफ़ी आपकी हेल्प भी करेंगे। हाँ। अगर आपको FSSI का लाइसेंस भी बनवाना है, GST भी बनवाना है तो भी आपकी हेल्प करेंगे, ये भी बनवा के दे सकते हैं अगर आप इनसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो। हाँ। और दोस्तों आपको जैसा कि पता ही है कि COVID-19 की वजह से काफ़ी लोगों को बजट की बहुत दिक्कत है, क्योंकि इतनी सारी इन्वेस्टमेंट काफ़ी लोग नहीं कर सकते और आजकल सोचना भी पड़ता है कि बजट को लेकर के। तो अगर कोई फाइनेंस करवाना चाहे तो क्या वो भी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी? फाइनेंस अवेलेबल है। तो सर कौन कौन से ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जो मैन्युफैक्चर हो सकते हैं? हाँ बताता हूँ, इस मशीन में आप मूंगफली का ऑयल बना सकते हो, सरसों तिल, सोयाबीन, वॉलनट, बादाम, अलसी, कुसुम, सनफ्लावर, अजवाइन, जीरा, ओवा, लवंग, कद्दू के बीज, अनार के बीज, कैस्टर, मतलब बहुत सारे सीड है, उसका आप ऑयल निकाल सकते हो और ऑयल निकाल के आप मार्केट में बेच सकते हो। क्या सर ऑयल की डिमांड इतनी है, अगर वो मार्केट में सेल करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? हाँ बताता हूँ, ये जो ऑयल है ये प्योर ऑर्गेनिक ऑयल है और इसका डिमांड अभी बढ़ रहा है मार्केट में, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका जो सेल करना है, आप कहीं भी आपका रिटेल आउटलेट निकाल के वहाँ आपके जो बॉटल्स है वो सेल कर सकते हो, आपका जो ब्रांड का पंपलेट रहेगा वो आप न्यूज़पेपर में बांट सकते हो, इससे आपका मार्केटिंग एडवर्टाइज कर सकते हैं, कर सकते हैं। फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए भी आप उसका मार्केटिंग कर सकते हो, आप इंडिया में हर जगह ये ऑयल बेच सकते हो। बस आपको जहाँ रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, सरसों मूंगफली,
उधर से ज़्यादा आपको उठाना है क्वांटिटी में ताकि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें कम आ जाता है। ओके आप इसमें 1 लीटर में लगभग 20 से 30 रुपये 40 रुपये तक आप कमा सकते हो। जी तो सर एक बार हमें मशीन का डेमो दिखाइए किस तरीके से वर्क करती है, या और कोई पॉइंट छूट गया तो हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। बताता हूँ मैं, इसमें जो ऑयल निकलता है वो प्योर ऑर्गेनिक ऑयल रहता है। सरसों में आपको 30 से 35% निकलेगा, मूंगफली में 40 से 50, बादाम में 40 से 50, सनफ्लावर में 30%। ओके बाकी वेस्टेज? हाँ, और जो वेस्टेज निकलता है, समझो मूंगफली का वेस्टेज रहेगा, मूंगफली की वेस्टेज से आप मूंगफली की चटनी, लड्डू, चिक्की बना सकते हो। बादाम का जो वेस्टेज रहता है, बादाम का पाउडर बना के बेच सकते हो। सरसों का वेस्टेज रहता है, वो सरसों का वेस्टेज आप मार्केट में बेच सकते हो। ओके तो दोस्तों कहने का मतलब है आपका जो प्रोडक्ट इसमें लग रहा है, जो रॉ मटेरियल लग रहा है, उसका 100% यूज़ है। कुछ परसेंटेज आपकी ऑयल मेकिंग में चला जाएगा और कुछ परसेंट जो वेस्टेज में जाएगा वो वेस्टेज नहीं होगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब 100% तो यूज़ हो ही गया। तो सर डेमो, अभी मैं आपको मशीन का डेमो दिखाता हूँ। अभी हम इसमें सरसों का ट्रायल लेंगे। ये मशीन का ऑफर है और इसमें एडिशनल रोस्टर भी दिया है, मतलब बारिश के दिनों में आप इसमें सीड गर्म करके भी अंदर डाल सकते हो। इसमें मतलब मॉइस्चर नहीं आएगा? हाँ मॉइस्चर नहीं आएगा। ये आपकी नई टेक्नोलॉजी? हाँ ये नई टेक्नोलॉजी। पहले वाली मशीन में क्या था ऐसा? ऐसा नहीं था। अभी ये इस नए मॉडल में हमने ये टेक्नोलॉजी दी है रोस्टर वाली। ओके अभी क्या हो रहा है इसमें? अभी ये थोड़ा रोस्ट हो जाएगा, थोड़ा ये गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद इसमें से थोड़ा मॉइस्चर कम हो जाएगा, उसके बाद ये ढक्कन मतलब ये खुलने का है आपको। अच्छा यहाँ से कवर ओपन करना है? हाँ अभी हम मशीन चालू कर रहे हैं। ये हीट होकर नीचे गिर रहा है? नॉर्मली थोड़ा थोड़ा गर्म रहता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता है। इसमें रोस्टर दिया है? हाँ ओनली सिर्फ मॉइस्चर के लिए? हाँ मॉइस्चर के लिए, खाली बारिश के दिनों में आपको थोड़ा गर्म करना पड़ता है, बाकी दिनों में आप डायरेक्टली इसको डाल सकते हैं, गर्म करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा इसमें दो पोर्शन क्यों दे रखे हैं, एक इधर और एक इधर? हाँ इसमें क्या है, इस साइड आप अगर मूंगफली का चाहे तो मूंगफली का भी निकाल सकते हो, इस साइड सरसों का निकाल सकते हो, दोनों का यूज़ कर सकते हो आप इसमें। एक मशीन में दो प्रोडक्ट एक साथ निकाल सकते हो आप? अच्छा उसके बाद ये वेस्टेज नीचे से निकल रही है? हाँ अभी इस साइड वेस्टेज गिर रहा है, इस साइड ऑयल गिर रहा है, आप देख सकते हैं ये वेस्टेज निकल रहा है और ये नीचे गिर जाएगा। आप ये देख सकते हो कि इसमें ऑयल परसेंटेज कुछ भी नहीं रहता, ये जो वेस्टेज निकला है ना इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, आप देख सकते हैं। मैं हाथ में आपको दबा के देख रहा हूँ, पूरा सूखा है, करारा लग रहा है बिल्कुल। हाँ और ये आप मार्केट में बेच सकते हो। अच्छा इसे सेल भी कर सकते हैं? हाँ तो सेल भी कर सकते, खिला सकते हो। ये क्या पशु के लिए खाना हेल्दी रहेगा? हाँ हेल्दी रहता है। अच्छा क्योंकि सरसों है, मस्टर्ड है, तो पशु के लिए तो हेल्दी होगा, हेल्दी रहेगा। मूंगफली का है, क्या बोलते हैं इसको, खल? हाँ इसको खल बोलते हैं। अच्छा ये जो ऑयल गिर रहा है मस्टर्ड का, वो अभी इसमें फिल हो जाएगा, टैंक में फिल हो रहा है, टैंक में जा रहा है और टैंक के नीचे ये पाइप से अभी ये फिल्टर में जाएगा। ये फिल्टर दिया है, ये मशीन के साथ ही आता है फिल्टर, आपको अलग से फिल्टर लेने की ज़रूरत नहीं, ये पूरा सेट आता है। अभी आप देख सकते हैं ऑयल से भर गया है, ये देखिए अभी ऑयल नीचे आ रहा है और ये अभी हमने इसमें फिल्टर में छोड़ा है। इसका प्रोडक्शन कितना है इसका? ये एक घंटे में 30 से 35 kg रॉ मटेरियल पिसाई कर देता है। एक घंटे में 30 से 35 kg? अच्छा डिपेंड करता है रॉ मटेरियल, मतलब हर सीड का ऑयल परसेंटेज अलग अलग रहता है, उसके हिसाब से आपको ऑयल मिलेगा। ये जो ऑयल है वो प्योर ऑयल है, आप जो मार्केट में देखते हो 120-110 रुपये में निकलता है, वो मिलावट वाला ऑयल रहता है, उसमें पाम ऑयल मिला के वो मार्केट में सेल किया जाता है। और जो हमारा ये प्योर ऑयल है इसको आपका सरसों का ही स्मेल आएगा, अगर मूंगफली का निकालते हो तो मूंगफली का ऑयल स्मेल आएगा और ये अपने हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अभी आप देख सकते हो कि ऑयल नीचे फिल्टर में आ गया है, अभी हम इसको फिल्टर करेंगे। और ये बोतल है, ये बोतल आपको मार्केट में आसानी से 5-6 रुपये में मिल जाती है, ये सीलिंग वाली बोतल रहती है।
जब आप ये घुमाते हो तो अपने आप ये सील हो जाती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमने ऑयल भर दिया है बोतल में, अभी हम कैप घुमाएंगे, आप देख सकते हैं अभी ये बोतल सील हो गया। मतलब मशीन से अब बोतल को ढक्कन को खोलना चाहेगा, नहीं खुलेगा? नहीं खुलेगा। अच्छा, अभी ये सील हो गया। हाँ ओके। अगर ये आपको खोलना है, जब आप खोलेंगे ये तो ये सील टूट जाएगा। मतलब इसके लिए कोई स्पेशल मशीन लेने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं ये सील खुल गया। तो बढ़िया टेक्नोलॉजी, पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसा। नहीं तो मशीन लगानी पड़ती है, मशीन लगानी पड़ती है, लेकिन आपको मशीन लेने की जरूरत नहीं है। कैपिंग मशीन लेनी पड़ती है इसके लिए? हाँ, आपको वो लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अपना ब्रांड का लेबल लगा? हाँ, आप इधर आपके ब्रांड का लेबल लगा सकते हैं। ये फिल्टर हुआ हुआ ऑयल है और ये फिल्टर है, ये यूज करने के लिए रेडी बिल्कुल? हाँ, अभी ये यूज कर सकते हो, बिल्कुल रेडी ऑयल हो गए। ये पहले वाली में हमने सरसों डाला, अब इसमें हम मूंगफली डाल रहे हैं। अब इस साइड में मूंगफली का दिखाता हूँ, अभी ये मूंगफली आ रही है, आप नीचे देख सकते हो मूंगफली का ऑयल आ रहा है और उस साइड खली गिल रही है। ट्रे को बाहर भी निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हो, आप देख सकते हो, ये देखो ऑयल गिर रहा है। अच्छा, इसको निकाल के साफ क्लीनिंग साफ वगैरह कर सकते हो। बीच में एक पार्टिकल रहता है, हमने वो दिखाया नहीं है आपको दिखाने के लिए। इसमें एक साइड मूंगफली रहता है, एक साइड सरसों डाल सकते हो या कोई भी दूसरा मटेरियल आप डाल सकते हो। तो ये निकला है, वो मूंगफली का खली है। इसका इस्तेमाल आप मूंगफली का चटनी, लड्डू, चिक्की में कर सकते हो, प्रोटीन बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप। अभी जो मूंगफली का वेस्टेज है? हाँ, और इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। और घर में रसोई में आप सब्जियां वगैरह बनाते हो, उसमें कूट वगैरह डालने के लिए वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और आप देख सकते हो ये मूंगफली का ऑयल है इधर। हाँ, सरसों का ऑयल है और ये मूंगफली का। ये फिल्टर होने के बाद आपको ऐसा दिखेगा मूंगफली का ऑयल, आप देख सकते हो। हाँ, नीचे आएगा ऐसे, इस तरीके से निकाल। हाँ, और इधर से हम बोतल भर के ऐसा आपको ऑयल दिखेगा, ये उस तरह से सील करके ब्रांड लेवल लगा के मार्केट में उतार सकते। अभी मैं आपको इस मशीन का क्लीनिंग के प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। इसमें एक स्क्रू लगा रहता है, वो निकालना है आपको। वो निकालने के बाद ये जो हॉपर है वो बाहर आ जाता है, ये हॉपर बाहर निकलता है ऐसे। अभी जो आपको ये क्लीन करना है, वो ठंडा होने के बाद क्लीन करना है, ये गर्म रहता है। ये आपको निकालना है हीटर का वायर, ये हीटर बाहर निकल जाता है ऐसे, ये बाहर निकल गया। उसके बाद ये बाहर आ जाता है, ये लॉक पिन निकालना है आपको। लॉक पिन निकालने के बाद ये बाहर आ जाता है असेंबली। इसको वर्म बोलते हैं और इसको बैरल बोलते हैं। जो ऑयल निकालने का काम करता है, यही काम करता है मशीन में। बाद में ये ब्रश देते हैं मशीन के साथ, इससे आपको क्लीनिंग करना है पूरा। क्लीनिंग करके वापस से आपको इसको जोड़ देना है, इसको भी क्लीन करके आपको जोड़ देना है। बाद में लॉक पिन आपको लगाना है। बाद में हीटर का वायर आपको जोड़ देना है। तो सर, इसका कॉस्ट कितना होगा मशीन का? ये लगभग 3,90,000 की मशीन है। ओके। और टैक्स जो रहेगा वो एक्स्ट्रा रहेगा, टैक्स एक्सक्लूडेड, जीएसटी एक्स्ट्रा रहेगा। ओके। ये जो हमने अभी मशीन दिखाया, वो परचेस करने के लिए हम जो डिस्क्रिप्शन में ये देते हैं, सब कॉन्टैक्ट्स वगैरह आपको दिया जाएगा।
और आपको स्क्रीन पे भी आ जाएगा सब।